बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे वेज मसूर पुलाव। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये किसी बिरयानी से कम नहीं है। गरम मसालों की खुशबू वाला ये मसूर पुलाव काफ़ी जायकेदार होता है। हमारी तरह स्टेप बाय स्टेप मसूर पुलाव बनाओगे तो आपका भी मसूर पुलाव खिला खिला और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए दावतों वाला स्पेशल मसूर पुलाव को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। मसूर पुलाव बनाने के लिए गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, इसमें आधा कप तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, उसे बारीक बारीक काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो प्याज को इस तरह से छुट्टा करते हुए डालेंगे। प्याज को हम इस तरह से चलाते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज को चलाते हुए मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे हम, और ये सभी प्याज को कुकर में से निकाल लेना है हमें। ये देखिए सभी फ्राई प्याज को मैंने बर्तन में निकाल कर फैला दिया है। अभी इसे साइड में रख देते हैं, और उसी तेल में हम आलू फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है, छिलके निकाल कर इसे बड़े टुकड़ों में काट कर रख लिया है। अब इसे फ्राई करना है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे हम, ताकि मसाले अंदर तक अच्छे से जाए और ये आलू हमारे नमकीन बनकर तैयार होते हैं। तो मुझे पुलाव में आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। एक एक आलू को डाल देंगे, और मसूर पुलाव में ये आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो अगर आप भी पसंद करते हैं तो मसूर पुलाव में इस तरह से आलू को फ्राई करके डालें। हल्का सा गोल्डन होने तक आलू को हम फ्राई कर लेते हैं, ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं ये। ये देखिए आलू अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं हम। इस तरह से जब हम पुलाव में आलू डालते हैं तो गलने में टाइम भी नहीं लगता है, तब ये आलू को भी हम साइड में रख देते हैं। अब उसी तेल में हम खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर एक चम्मच जीरा लिया है, और 12 से 15 काली मिर्चें हैं, एक वादिया का फूल है, एक बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 4 से 5 लौंग है, 2 तेज पत्ता, ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तेल में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। खड़े मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो अदरक लहसुन फ्रेश ले, और थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो पुलाव या बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 5 से 6 हरी मिर्च ली है, तो मिक्सर में मोटा मोटा सा इसे क्रश कर लिया है, ये डाल देते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल सकते हो, मैं आगे लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, जिसे मैंने जाड़ा मोटा मिक्सर में ही क्रश कर लिया है, तो आप कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हो इसमें। साथ ही में सूखे मसाले भी डाल देंगे। तो 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसीलिए मैं 1 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। हल्दी ली है यहाँ पर 1/2 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने बिरयानी का मसाला लिया है। तो ये बिरयानी का मसाला मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। या फिर तैयार बिरयानी का मसाला भी बाज़ार में मिलता है, तो आप वो भी मसाला डाल सकते हो बिरयानी या पुलाव का। इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी है। अब ये जो हमने फ्राई की हुई प्याज रखी थी, इसमें से थोड़ी हम बचा लेंगे पुलाव के ऊपर डालने के लिए, और बाकी की डाल देते हैं। तो थोड़ी प्याज बचा ली है मैंने। अब नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। ये मसाले को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं हम। मसाले जलने लगेंगे, उस टाइम पर थोड़ा पानी डालकर मसाले को फिर से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, मसाले जले नहीं इसके लिए, 1 से 2 चम्मच, और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं हम। 2 से 3 मिनट हो गए, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप यानी 150 ग्राम के करीब अक्खे मसूर, जो काले मसूर आते हैं छिलके वाले, उसे 1/2 घंटा पानी में भिगो कर रखी थी। मसूर अच्छी तरह से भीग चुके हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखिए। तो ये डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अब ये फ्राई किए हुए आलू भी डाल देते हैं इसी में, एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सीटियां लगा लेंगे हम। मसूर भीगे हुए तो जल्दी से गल जाएंगे। यहाँ पर कुकर की 3 सीटियां हो चुकी है, मैंने गैस बंद कर दिया है और कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है। मसूर को चेक कर लेते हैं हम। अभी गरम है, ये देखिए मसूर का दाना गल गया है। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है जो चावलों के साथ पक जाएंगे। तो अब आपने बड़ा कुकर लिया है तो इसी में चावल डालकर आप पुलाव बना सकते हो, लेकिन ये कुकर छोटा है और मैंने चावल थोड़े ज़्यादा लिए, इसीलिए ये मसूर के मसाले को हम बड़े से पतीले में डालकर पुलाव बना लेते हैं। तो एक बड़ा सा पतीला मैंने गैस पर रख दिया है, अगर आपका कुकर है बड़ा है तो उसी में आप पुलाव बना लें। तो ये सभी मसूर के मसाले को डाल देंगे हम। 100 ग्राम मैंने दही लिया है फैट कर, अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हमने इसमें पहले टमाटर भी डाला है लेकिन दही से भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है पुलाव में। दही को हमेशा फैट कर डालें, 2 मिनट के लिए हम भून लेते ताकि दही का फ्लेवर भी हमारे मसूर के मसाले में अच्छा सा आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं, दही का जो पानी था वो भी अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, तो उससे पहले अब इसमें हम पुलाव के लिए पानी डालेंगे। तो ये गिलास से मैंने 4 गिलास चावल ली हूँ, तो हमने चावल भिगो कर रखे हैं इसीलिए पानी थोड़ा कम डालेंगे। तो मैंने 4 गिलास चावल ली हूँ तो वो हिसाब से मैं पानी इसमें 5 गिलास डालूँगी। अगर आपने चावल को भिगो कर नहीं लिया है तो फिर पानी आपको डबल डालना है, यानी जितने चावल ले उसका डबल पानी डालना है। ये 4 और ये 5 गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें। थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 2 अक्खी लाल मिर्च ली है जिसकी डंडियों के साथ ही ली मैंने। तो इसे हम ढक देंगे और एक उबाल आने तक पकने देते हैं। पानी में एक उबाल आ गया है, ये देखिए। अब इसमें हम चावल डालेंगे, तो ये बासमती एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन चावल है। ये मैंने 4 गिलास चावल ली थी और इसे अच्छे से धोकर आधा घंटा के लिए पानी में भिगो कर रख दी थी, तो चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। चावलों को डाल देते, चावल मेरे थोड़े ज़्यादा थे इसीलिए मैंने कुकर में से पतीले में डालकर पुलाव पका रही हूँ। आपका अगर कुकर ही बड़ा हो तो आप उसी में पका सकते हो, यानी एक ही कुकर में आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। अब नमक डालेंगे चावल के हिसाब से, हमने जो मसूर का मसाला तैयार किया था तो वो मसूर की दाल के हिसाब से नमक डाला था, अब चावल के हिसाब से नमक डालना है। तो आप इस टाइम पर नमक को चेक करके भी डाल सकते हो। आधा नींबू का रस डालेंगे, इससे चावल खिले खिले और छुट्टे बनकर तैयार होते हैं। एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये चावल भीगे हुए हैं। आप कोई भी बिरयानी के चावल ले सकते हो, पुलाव के चावल ले सकते हो, आपको जो चावल अच्छे लगते हो तो वो चावल ले सकते हो आप। हल्के हल्के हाथों से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसे खोलकर चेक करेंगे। यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए पुलाव को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए पानी सभी सूख चुका है, अब एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। ये देखिए चावलों में का पानी सारा सूख चुका है। अब यहाँ पर हमें दम पर पकाना है पुलाव को, हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ऊपर से एक बड़ा चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ, इससे पुलाव में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जो हमने बिरस्ता बचा के रखा है तो वो डाल देते, तो पानी सूख जाए पुलाव में का तो उस टाइम पर ये बिरस्ते को डालना है हमें, फैलाते हुए डाल देंगे इस तरह से। और अब हमें दम पर पकाना है पुलाव को, तो गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे हम और धीमी आंच पर फिर से 5 से 7 मिनट के लिए दम पर पुलाव को पका लेते। अगर आपका पतीला या आपने कुकर लिया है तो पतला है तो नीचे तवा रख कर भी दम पर इसे पका सकते हो। पुलाव को दम पर रखे हुए यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये देखिए चावल भी दिखा देती हूँ आपको। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त चावल हमारे खिले खिले बनकर तैयार हुए।
तो ये मसूर दाल का पुलाव हमारा बनकर तैयार है। आज इस मसूर पुलाव के साथ मैंने दही का रायता बनाया है। आप चाहे तो जीरा छाछ के साथ या कचुम्बर के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए गर्मा गर्म ये मसूर के पुलाव को हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।